السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ومن يطع الله ورسوله فقد رشد آج هم بات نفس नफ़्स के किस्में क्या हैं और नफ्स का ताल्लुक़ हमारे साथ क्या है देखो अल्लाह ताला ने तीन दुश्मन इंसानों के लिए पैदा किए एक दुश्मन तो शैतान है दूसरा दुश्मन है नफ्स और तीसरा दुश्मन है दुनिया की मोहब्बत। ये तीन दुश्मनों के साथ अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया अब शैतान का रोल यह है कि वो बाहर से बस डालता है और नफ्स का रोल यह है कि वो अंदर से काम करता है नफ्स यानी प्राण भी कहते हैं उसको नफ्स और को रूह भी कहते हैं नफ्स क्या है इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे पहले ये बात कि शैतान बाहर से वसवसे डालता है और नफ्स ये अंदर से हमें उकसाता है नफ्स ये शहवात की तरफ लज्जात की तरफ उसका मेलान होता है यानी वो डिज़ायर्स क्रेविंग्स और दुनिया की मोहब्बत उसकी तरफ उसका झुकाव होता है नफ्स ये ज़्यादा शर की तरफ उसका मेलान होता है और वो भी अंदर से उसका काम होता है और शैतान का काम सुमला आतीफ इमोना ईमान हिम होना शिमाल यानी शैतान आगे से आता है पीछे से आता है राइट से आता है लेफ्ट से आता है और वो हम पर हमला कर देता है शैतान तो हम पर हमला कर देता है हमारे अंदर वसों से डालता है वसों से जाने के बाद भाग जाता है खन्नास इसीलिए तो कहते हैं कि आगे बढ़ता है फिर पीछे हट जाता है और फिर वो ये कहता है कि मैंने तो तुमको सजेस्ट किया था मेरा ज़ोर तो तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं था फला तलुमोनी वो यानी तुम मुझे ब्लेम मत करो तुम अपने आप को ब्लेम करो काम किसने किया तुमने किया यानी तुम्हारी नफ्स ने किया तुम्हारी जात ने किया तुम्हारी शख्सियत ने किया तो ये दो दुश्मनों के साथ और तीन और तीसरा दुश्मन है दुनिया की मोहब्बत उसके साथ हमें पैदा किया गया है तो हज़ूसम ने फरमाया अक्सर ज़िक्र हाजम्जात मौत, यानि तुम जो लज्जतों को ख़त्म करने वाली है उसका जिक्र उसकी याद हमेशा किया करो यानी अपने मौत की याद हमेशा किया करो कि मुझे एक दिन मरना है मुझे एक दिन हिसाब देना है तो फिर तुमसे ये दुनिया की मोहब्बत कम हो जाएगी ये नफ्स जिसे हम कहते हैं वो नफ्स बहुत ही ख़तरनाक है क्यों क्योंकि ये नफ्स हमें उकसाती है बुराई की तरफ ये हमें उकसाती है दुनिया की मोहब्बत की तरफ ये नफ्स हमें उकसाती है सेक्सुअल डिज़ायर्स या हमवानियात ये सब उसमें होता है इंसान का एक हैवानी वजूद है और एक रूहानी वजूद है इस हैवानी वजूद को अक्सर वेशतर नफ्स के नाम से पुकारा गया है कुरान में और इस रूहानी वजूद जो मलाइका की सिफत है वो भी एक पहलू है इंसान का और वो नफ् मतम की तरफ जाता है और ये नफ्स अम्बारा की तरफ जाता है। है। हैवानी वजूद तो अल्लाह ताला ने जो ये नफ्स पैदा किया है मौलाना रूम कहते हैं कि ये जो बुत है वो सांप है और नफ्स ये असदा है ये नफ्स ये बुतों की माँ है ये नफ्स एक कूज़ा है और कूजे में जो गदला पानी होता है वो पानी बुत है और जो उसका चश्मा होता है जहाँ से वो मटके में पानी आया वो चश्मा नफ्स है वो ये कहते हैं कि जो ये गदला पानी है उसको अगर हम पत्थर मारेंगे तो वो मटका फूट जाएगा और गदला पानी बह निकल जाएगा यानी निस्तनाबूद हो जाएगा मगर जिस मटके में जो पानी आता है बाहर से जिस चश्मे से पानी आता है वो बंद नहीं होगा उससे तो जो हमको ज़ाहरी तौर पर सेंस नज़र आ रहे हैं गुनाह नज़र आ रहे हैं वो दरअसल हकीकत में अगर हम उनको मिटाने जाएँ तो नहीं मिटा सकते मगर जो काम करना है हमें वो एटीट्यूड पे काम करना है किसी नफ्स पे काम करना है शख्सियत को संवारने में काम करना है अपनी ज़ात पे काम करना है हमारे थिंकिंग पे काम करना है यानी जब हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा तब हमारे गुनाह भी ख़त्म हो जाएंगे और तब तक हमारे गुनाह नहीं ख़त्म हो जाएंगे दूसरी बात उन्होंने ये कही कि नफ्स एक काला पत्थर और लोहा है जब वो काला पत्थर और लोहा घिस जाते हैं आपस में तब उसमें से एक चिंगारी निकलती है और वो जो चिंगारी निकलती है वो बुत है और जो उनमें आग है वो दरअसल नफ्स है यानी बाहर से तो वो काले पत्थर और लोहे में आग नजर नहीं आती मगर जो उसमें से चिंगारी निकलती है वो नजर आती है और हम उस चिंगारी को बुझाने में लगे हुए हैं मगर जो आग है अंदर छुपी हुई उसका क्या करोगे वो तो पानी से नहीं बुझेगी तो कहने का मतलब यहाँ पे ये यह है कि हमको हमारी जात पे काम करना चाहिए हमको हमारे नफ्स को संवारना चाहिए हमारी शख्सियत को सँवारना चाहिए हमारा तजकिया नफ्स करना चाहिए तजकिया यानी कि मुहासबा करना चाहिए कि हम कहाँ पे, यानी सेल्फ़ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हम कहाँ पे चूकते हैं हमारे कहाँ से भूल होती है हमारी कहाँ खता होती है ये हमें सारी चीज़ें देखना चाहिए